खबर इटावा से, जहां इटावा से पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी के इटावा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अधिकारियों के दम पे चुनाव जीतना चाहती। वहीं चुनाव में बीजेपी कर रही दबंगई। इटावा जिले में चौथे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों के साथ चुनावी प्रचार में जुट गई। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी के लिए जनसभाएं करना शुरू कर दिया। आज सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच पर खड़े होकर कहा कि देश में इस वक्त भ्रष्ट सरकार चल रही है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के वक्त सत्ता में मौजूद कोई भी सरकार अधिकारियों के दम पे चुनाव जीते हो। वहीं लेकिन बीजेपी वाले अब तो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। उन्होंने अब तो पुलिस वालों को और अधिकारियों के साथ लेना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस वालों को कभी भी मतदाता का वोटर आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब पुलिस वाले ही मतदाताओं के वोट नहीं डालने दे रहे। हमारे बूथ एजेंटों का परेशान किया जा रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि चुनाव के वक्त आप लोग किसी भी पुलिस वाले से भिड़ना नहीं, अगर वो आपको गाली देते हैं तो गाली को सुन लेना, लेकिन लड़ना नहीं। बीजेपी वाले आप लोगों से लड़ना चाहेंगे, लेकिन आप लोग लड़ना नहीं। अगर आप लड़ते हैं तो आपके खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाएगा और आपको बंद कर दिया जाएगा। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी का सफाया, अब चौथा राउंड आने वाला है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। किस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट नहीं पड़ने दे रही है, आप लोग कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं, किस तरीके की मतलब सरकार गुंडई कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभी गुंडई करी है, कई जगह गुंडई करी है। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडई करी है, अभी जसवंत नगर से लेकर मैनपुरी में गुंडई, आज भी गुंडई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता उनका अगर कहीं झूठ बोल के दरख्वास्त दे आता है तो उस पर पुलिस पहुँच जाती है, परेशान करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सरकारें भी बदलती हैं। हम इसलिए अभी नहीं कुछ कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में ये सब बातें ठीक नहीं हैं। आगे अगर ये परंपराएं बन गईं, जिसकी सरकार आए अगर झूठे मुकदमे लिखा करके और शासन प्रशासन के लोग अगर जनता के लोगों को परेशान करेंगे तो परंपरा बहुत गंदी पड़ेगी, तो इसलिए हम कुछ अभी नहीं कहना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, ये साजिशखोर, इन पे अब कोई जनता इन पे विश्वास नहीं करेगी। धन्यवाद। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए ये गर्मी बर्दाश्त करते करते, तब ये चुनाव है, 13 मई को प्रत्याशी हैं जितेंद्र दोहरे, अब इनको जिताना है। बहुत से हमारे साथियों ने बहुत सी बातें बता दी हैं, अब कुछ बचा तो है नहीं, और बहुत सी बातें तो आप सब लोग जानते हैं, इस सरकार की बातें बहुत तो आप जानते हो। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट भी है, बेईमान भी है, और आपने अगर देखी भी है इनका बहुत कुछ देख लिया है। लाइन आर्डर के नाम पर, गुंडही के नाम पर, सबसे देखिए सरकार में रहते शायद सरकारें कभी गुंडही नहीं करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर झूठी रिपोर्टें लिखा करके, और यहाँ तक कि उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता ने तो पूरे देश में मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और तब उस समय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब लगी है षड्यंत्र करने में लगी है। पुलिस के बल पर यहां तक कि ये कभी नहीं हुआ है कि एजेंटों पर झूठा मुकदमा लिखा करके उसी समय और कहीं झगड़ा हुआ ही नहीं, लेकिन एजेंटों के परिवार पर 2 दिन पहले से उठाना शुरू कर देते। हम तो आज कहेंगे 13 तारीख को चुनाव है, तो हमारे जितने नेता हैं, जितने भी एजेंट बनेंगे, पुलिस को मिलना नहीं, कहीं पर भी पुलिस को मिलना नहीं। और हम तो कहेंगे किसी को गाली भी मत देना, अगर आपको कोई गाली भी दे जाए तो सुन लेना, झगड़ा करना नहीं। लेकिन ये क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबरदस्ती झगड़ा करेंगे और रिपोर्ट आपके खिलाफ लिखेंगे और फिर पुलिस के द्वारा आपकी गिरफ्तारी करेंगे। तो ये सिर्फ आपको सावधान रहना है, झगड़ा करना नहीं, अगर झगड़ा कहीं हो भी रहा हो तो बचाने भी मत जाना, नहीं तो रिपोर्ट आपके खिलाफ हो जाएगी। ये काम मत करना, किसी को गाली भी मत देना, और जो गाली दे तो फिर सुन लेना। ये समय बचाना है, और इसलिए बचाना है कि केवल इस बेईमान भ्रष्ट षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब लहर बन चुकी है पूरे देश में, और यहीं तक नहीं, आपने देख लिया था अभी मैनपुरी का चुनाव, जसवंत नगर का चुनाव, पूरी तरह से पुलिस के बल पर और गुंडों के बल पर जिन पर 5 वोट नहीं, 2 वोट नहीं, अगर उन्होंने झूठा कहीं पर भी कह दिया कि उन्होंने हमें मारा है, उन्होंने हमारा बूथ लूट लिया है, झूठ, और 5 वोट है नहीं उस एजेंट पर, कितने हैं, इतने कितने हम जानना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, कैसा काम हो रहा। तो इसलिए हटाना है इस भारतीय जनता पार्टी को, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और जनता जब चाहती है तो हट भी जाती है, तो आपने सबने मन बना लिया है, और इसलिए भी बना दिया, अभी बहुत कुछ है, जैसे दोहरे ने बताया, बहुत से वादे किए थे किसानों की, आए हम दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ हर वर्ष लोगों को, बच्चों को नौकरी दे देंगे, बहुत कुछ कहा कि देश पर कर्जा कम करेंगे, अब देश पर कर्जा कितना बढ़ा, 5 गुना इसी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता, बताओ जितनी मुनाफे की संपत्तियां थी, जितने पूंजीपतियों के हवाले करते चले जा रहे, और उनसे कमीशन, अब आपने तो देख लिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पता चल ही गया है, इन्होंने पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है, और उसमें से भारी कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में डाला है। इतने से तो अगर, और पूंजीपतियों के कितने कर्जे माफ किए, 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इतने में तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता था, गरीबों का कर्जा माफ हो सकता, बताओ माफ पूंजीपतियों के। और यहां तक कि अब अगर ऐसा कानून बना दिया है, आपने सुना ही होगा कि अगर कहीं पर भी देश के लोगों को, अगर आपको कर्जा लेना है, ऐसी नीति बना दी है,